एलिजा हमने 3 सेंटेंसेस दिए, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, शी एम अ डॉक्टर। इसमें से जो रॉन्ग है उसको इरेज करना है। और देखिए इन्होंने सही आंसर दिया, क्लैप फॉर हिम, थैंक यू स्टूडेंट। कुछ प्रोनाउन लिखे हुए और कुछ नाउंस लिखे हुए, तो इसमें जो प्रोनाउन है वो आपको इरेज करना है। वर्ड्स कौन कौन से, मैं एक मतलब रीड कर दे रहा हूं, बॉय, ही, डॉग, एम, रेड, फ्रेंड, दे। इसमें जो प्रोनाउन है उसे आपको इरेज करना है। और कौन कौन सा है, जितने भी प्रोनाउन है सबों को इरेज करना है। और है हो गया आयत, इसमें 2 सेंटेंसेस देखे हुए, राम इज अ गुड बॉय, खालिद इज बैड बॉय। इसमें से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन सा है उसे आपको इरेज करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आयत इसमें नाउन है कोई, मैं फिर एक मतलब इसको रीड कर रहा हूं, देखिए, राम इज अ गुड बॉय, खालिद इज बैड बॉय। इसमें कोई नाउन है उसको इरेज कर दो। इसमें आपको जितने भी नाउन्स हैं उसे इरेज करना है। आपके पास टाइम कम है, जितने भी नाउन्स हैं उसे आपको इरेज करना है। और इसमें हो गया, ओके थैंक यू। इसमें कोई नाउन्स है रह गया है जो उन्होंने छोड़ दिया है, आपको इरेज करना है। लुकमान इसमें लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय, है कोई नाउन्स इसमें? ऊपर वाले में है कोई ऐसा वर्ड है जो नाउन है? हो गया, और है और नहीं है? ओके थैंक यू। क्या इन्होंने इरेज कर दिया सारा? यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट। इसके साथ कौन सा ये यूज होता है, इज या एम या आर? जो यूज नहीं होता उसे इरेज कर देना है। आपके प्रोनाउंस लिखे हुए हैं ही, शी, इट, और इसके साथ यूज होने वाले वर्ड्स हैं इज, एम, आर। जो इनके साथ यूज नहीं होता उसे आपको इरेज करना है।
टाइम कम है आपके पास, हो गया? ओके थैंक यू सुचम। इधर इसमें लिखा हुआ है प्रोनाउंस ही शी इट और उसके साथ यूज होने वाले इसमें से इज एम आर। तो आप मुझे ये बताइए कि ही शी इट के साथ किसका यूज होता है, इस का, एम का या आर का? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, जो यूज नहीं होता है इज एम आर में से उसको इरेज करना है। एम कम है अभी आपके पास। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ही शी इट के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है, इज एम या आर? ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें से कौन सा स्पेल रॉन्ग है उसे आपको इरेज करना है। इसमें से जो स्पेल रॉन्ग है उसको इरेज करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कलर को हमजा बोर्ड में लिखा हुआ है रेड एंड डॉग, इसमें से कौन सा स्पेल रॉन्ग है उसको आपको इरेज करना है। क्या इन्होंने सही आंसर किया है? आपको वर्ड्स को इरेज करना है। क्या इन्होंने सही किया है? इसमें से जो सही है उसको इरेज करना है, जिसका स्पेल सही है उसको इरेज कर देना है। रेड एंड बॉय, कर दिया आपने? सिट डाउन। आलिया मैंने टू वर्ड्स लिखा है, पुट एंड कट, इसमें से जो रॉन्ग है उसको इरेज करना है। क्वेश्चन समझ में आया? दो वर्ड्स लिखे हैं पुट एंड कट, जो स्पेल रॉन्ग है उसको इरेज कर देना है। ओके, और देखिए और कहीं स्पेल है रॉन्ग? इसके साथ और डॉग आएगा या एंड डॉग आएगा, जो नहीं आएगा उसको इरेज कर दीजिए।